गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड योर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल लिखा था, राइट? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर? दैट इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? यस और नो? ओके, मतलब मैकेनिकल मतलब हमें उसको वर्क करवाना है, उसको घुमाना है, तब जाके हमें उसमें से इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ओके, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें से हमें मैग्नेट मिलता है या तो वो घूमता है। ओके, वो हमने देखा है। ओके, तो अभी ये जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, राइट? सो प्रिंसिपल तो हमने देख लिया था, समझ लिया था। अभी हम लोग करेंगे वर्किंग, उसका वर्किंग कैसे होता है, राइट? उसकी वर्किंग में आप लोग को उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो, एक तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट? तो दो पोल के बीच में हम मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग में एक हम कॉइल रखेंगे, राइट? मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम एक दो पोल्स रखेंगे, राइट? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और हमें पता है, इधर देखो प्लीज, बुक में कुछ नहीं रखा है, इधर देखो। ओके, दो पोल्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम ऐसे रखते हैं। ओके, तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, राइट? एंड जो कॉइल है, ओके, ये कॉइल ए बी सी डी, ओके, ये कॉइल हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ली। अभी ये कॉइल के साथ, हाँ, अभी ये कॉइल के साथ आप क्या करोगे, उसके साथ स्लिप रिंग लगाओगे। क्या लगाओगे? स्लिप रिंग। इलेक्ट्रिक मोटर के टाइम पे हम क्या लगाते थे? स्प्लिट रिंग, राइट? उस टाइम पे हम क्या लगाते थे? स्प्लिट रिंग। ओके, स्प्लिट रिंग क्या करता था, वायर के साथ वो घूमता था, राइट? बट ये जो स्लिप रिंग है वो ऐसे हम लगाएंगे, ब्रश ऐसी रिंग, और यहाँ पे एक कंडक्टर आएगा, राइट? और यहाँ पे ऐसे ही ब्रश, ऐसी दूसरी रिंग, ठीक है? थोड़ा ऐसे इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, राइट? आर वन आर टू, ओके, उसको नाम क्या दिया हमने, आर वन आर टू। मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ वैसे डिट्टो आप ड्रॉ करना, ओके? फिर इसके साथ क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर, ओके, गैल्वेनोमीटर आएगा, ओके? क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है, करंट की डायरेक्शन और करंट, यस, करंट है कि नहीं वो मेजर करता है, राइट? वही तो हमारा मोटो है, हमें क्या करना है, नीलेश, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? मतलब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट प्रोड्यूस करवाना है, उसको तो जनरेटर बोलते हैं, राइट? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, होटल, थिएटर, वहाँ आपने देखा कभी लाइट चली गई, राइट? लाइट जाती है तो कट ऑफ होके वापस से आ जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनरेटर लगाए हुए होते हैं, राइट? समझ में आया? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस, दो टाइप के आते हैं, राइट? जनरेटर कितने टाइप के आते हैं? दो टाइप के, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ओके, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जो थर्मल पावर स्टेशन, सोलर पावर से जो करंट आता है ना, जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, वो डायरेक्ट करंट होते हैं। वो डायरेक्ट करंट हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो तो, यस, क्योंकि वो तो 1000-10,000 वोल्ट का होता है, राइट? वो अगर हमारे घर पे आया तो सारे डिवाइसेस ब्लास्ट हो जाएंगे, राइट? बट उसको ऑल्टरनेट करंट करके वो हर एक जगह पे पहुंचाते हैं। समझ में आया? तो हमारे एक्चुअल में तो जो हमें इम्पोर्टेंट है वो ऑल्टरनेट करंट जनरेटर ही इम्पोर्टेंट है, राइट? डीसी जनरेटर है बट वो बड़ी बड़ी बड़े बड़े प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में, वहां पे कहीं पे यूज हो रहा होगा, राइट? बट जनरली तो वो यूज होता ही नहीं है। हमें एसी जनरेटर ही इम्पोर्टेंट है, बट डीसी भी हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट? तभी तो हमें पता चलेगा ना कि पावर स्टेशन में कैसे पावर वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, वहीं पे यूज हो रहा है, राइट?
एसी जनरेटर ही हम लोग यूज करते हैं जो थिएटर या मॉल वहाँ पे यूज करते हैं। एनीवे एसी जनरेटर भी मोबाइल का चार्जर ऐसे यूज करने के हाँ वही एसी जनरेटर वो मैं पूरा समझाऊंगा। ओके तो देखो तो यहाँ पे ये जनरेटर का जो डायग्राम है वो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? राइट, ऐसे ही ड्रॉ करोगे आपको दो मार्क वन मार्क मिल जाएगा। राइट, एक तो प्रिंसिपल लिखना है और दूसरा क्या करना है, उसका ड्राइंग करना है। देख लो क्या ड्रॉ किया हमने, दो पोल लिए है ना नीलेश, क्या क्रिएट करने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट होगी और उसको हम घुमाएंगे तभी करंट पास होगा। राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए दो पोल्स लिए, फिर कॉइल लिया हमने ए बी सी डी, उसी को तो घुमाना है। राइट, और उसको घुमाने के लिए आर वन आर टू स्लिप रिंग ली। राइट, आर वन आर टू स्लिप रिंग ली। ओके, और उसको अल्टरनेटिवली कनेक्ट किया। राइट, अभी ये काम कैसे करता है देखो, तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड टूल्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट, सी राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो जब ये घुमाएंगे ना, तो जब उसमें एक चीज याद रखो कि डाउन है तो करंट आउट होगा। राइट, आउटसाइड पे होगा। ओके, और इन है, सॉरी अप है तो इनसाइड पे होगा। राइट, इतना याद रखो। कैसे, देखो ये राइट हैंड है, राइट राइट हैंड है, ये अगर सीढ़ी है, राइट सीढ़ी अप है, ठीक है, सीढ़ी ऐसे वो मूव कर रहा है तो सीढ़ी अप है, तो राइट हैंड में फोर्स कहाँ लगा रहे हैं हम अप? राइट, यस और नो? ऐसे मैम, तो मैम ये भी ऐसे होगा, ऐसे ही आएगा मैम, फोर्स इस तरफ है। आप लोग मुझे मत कंफ्यूज करो, यहाँ लगा रहे डाउन और अप। हाँ बराबर मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, यस और नो? है ना, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अप है तो करंट इस, अगर अप फोर्स लगाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इन, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये है N to S, right? अगर इसको हम, ये VA है, उसको अगर अप लेके जाएंगे, right? तो फोर्स हमने अपसाइड लगाया, है ना? तो करंट है वो इनसाइड जाएगा, समझ में आ रहा है? तो करंट कहाँ जाएगा? या ऐसे इनसाइड। तो मैं ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, इनसाइड जाएगा, ठीक है? वो इनसाइड जा रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब सिर्फ अभी आप AB का सोचो, AB प्लेट है, वहाँ पे इनसाइड जा रहा है ना, यस और नो? हाँ, राइट हैंड आप लोग करो तो आपको समझ में आएगा। राइट, सी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, तो ये जो हमारे फर्स्ट फिंगर है वो ऐसे होगी, ठीक है? फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे AB को, तो AB ऊपर प्लेट घूमेगा, राइट? हाँ, वो फोर्स ही लगाया ना हमने, फोर्स के ऐसे घूमेगी ना, पूरी नहीं घुमानी हमें, इसको सिर्फ ऊपर लेके जाना है। हाँ, तो मैं ऐसे रखेंगे तो फोर्स ऊपर जाएगा। हाँ, तो फोर्स ऊपर ही जा रहा है ना, फोर्स ऊपर की तरफ ही है ना, ये प्लेट ऊपर जा रही है, राइट? तो फोर्स ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपने मैं कैसे रखना? ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स मतलब ये प्लेट ऊपर जा रही है, तो करंट किस तरफ जा रही है यहाँ पे? ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो करंट इनसाइड जा रहा है, राइट? अगर आप लोग इसको डाउन करोगे, राइट, तो डाउन में क्या होगा, देखो करंट आउटसाइड आएगा, समझ में आया है? ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो इस तरफ है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड समझने की कोशिश करो, ना बोलोगे तो नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, नॉर्थ टू साउथ जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड, yes, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर दिखाता है, करो तो फोर फिंगर ऐसे, ये है ऐसे फोर फिंगर, यस फोर फिंगर ऐसे है,
फिल तो नॉट टू साउथ ही जा रहा है ना, ठीक है। तो ये तो ऐसे का ऐसा ही है, डाउनवर्ड फोर्स लगाओ तो करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है। समझ में आया अभी? अभी क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये हुआ कि जो स्प्लिट रिंग है राइट, उसको जब अप डाउन तो क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यस और नो? पहले ऐसे ऐसे जा रहा था राइट, फिर ऐसे 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 जा रहा है। समझ में आया? मतलब कुछ ना कुछ करंट तो दिखा ही रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओके, तो एसी जनरेटर का मतलब ही क्या है कि करंट है, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। समझ में आया? वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। और डीसी क्या है, डीसी जनरेटर कैसे बनाएंगे? सिंपल, स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग हटा दो, स्लिप रिंग के बदले क्या लगाएंगे हम, स्प्लिट रिंग। ओके, स्प्लिट रिंग के बदले क्या बनाएंगे हम, स्प्लिट रिंग। ओके, ये है डीसी जनरेटर, सिंपल। समझ में आया? पहला वाला कौन सा था, एसी। एसी जनरेटर में हम क्या कर रहे थे, स्लिप रिंग लगाते थे। ओके, डीसी में हम क्या करेंगे, स्प्लिट रिंग लगाएंगे राइट। और स्प्लिट रिंग का तो हम सबको पता है ना, स्प्लिट रिंग तो इसके साथ ही घूमेगा है ना। ये कॉइल नीचे तो वो भी नीचे, ये कॉइल ऊपर तो वो भी ऊपर, तो इसमें तो डायरेक्शन चेंज का कुछ है ही नहीं राइट। तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, डीसी जनरेटर। ओके, इतना ही है। चलो रीड कर लेते हैं हम लोग, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इसमें सेम वही है। रीड करो तो स्मिथ, रीड करो तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बस बस इसको अंडरलाइन कर लो, पेंसिल हाथ में रखो, ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट टू लाइन, मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एसी और डीसी, पहले मतलब एसी जनरेटर बना मतलब या डीसी जनरेटर? सबसे पहले डीसी था, फिर उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब वोल्ट वाला है, तो उनको एसी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा एसी कन्वर्ट करना पड़ेगा इसीलिए। एनीवे, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एज शोन इन फिगर कंसिस्ट, वो तो अंडरलाइन किया ना, मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी राइट। तो मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस में यूज होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर राइट। चलो नेक्स्ट, एज इलेक्ट्रिक जनरेटर, कितनी रीड करो तो, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, यस और नो? अब जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन
की डायरेक्शन इनवर्ड है, आउट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ओके। उसके नीचे ये आप पेंसिल से साइड पे लिख देना, ऑफ है तो इनवर्ड, डाउन है तो आउटवर्ड, राइट। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है, सिंपल सिंपल ऐसे इनवर्ड और आउटवर्ड, करंट आउटवर्ड, राइट। बस चलो नेक्स्ट। When the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves upward and the arm CD moves downward, उसको underline कर लो। जब AB upward जाता है तो CD downward। उसके बाद दर धीरेन्द्र read करेगा। धनराज। The magnetic field produced. Let us say the coil ABCD rotated clockwise in the arrangement shown in figure 13.9 by the applying Fleming right hand rule the induced. उसके नीचे underline कर लो, हम current की direction जानने के लिए कौन सा rule apply करते हैं? Right hand rule, ऐसा objective में पूछते हैं, राइट। जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? राइट हैंड रूल। नेक्स्ट। करंट आर द सेट ऑफ इन द रेज आर अलोंग द डायरेक्शन ए बी एंड सी डी दोस एंड इंसिडेंट इन द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ए बी सी डी इफ देयर आर लार्जर नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल द करंट जनरेटेड इन द ईच टर्न एड अप टू। बस शाश्वत रीड करो। This means that the current in the external circuit flows from B to B1 after half an rotation. Arm CD starts moving up and AB moving down. As a result, the direction of induced currents in both the arms change, giving rise to a net induced current in the direction DCBA. The current in the external circuit now flows from B1 to B2. Thus, after every half rotation, the polarity of the current in the respective arms changes. Such a current which changes direction after equal intervals of time is called. उसके नीचे underline करो, like, right? समझ में आया कि नहीं? उसकी polarity के साथ मैंने जैसे बताया ना, वो इधर से उधर change करता है, right? जैसे ऐसे आता है तो current inward to outward, ऐसे जाता है तो current outward to inward, right? तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट, ओके। चलो हाँ नेक्स्ट। टू गेट अ डायरेक्ट करंट, हाँ अभी किसकी बारी आई? डीसी जनरेटर की, राइट। तो डीसी जनरेटर करना है तो इसमें सिंपल चेंज, जो स्लिप रिंग थी पहले, रिंग स्लिप थी, अभी हम जो रिंग है वो कौन सी है? स्प्लिट रिंग, राइट। पहले जो रिंग थी उसको हटा दिया हमने और सिंपल, और ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है। डीसी जनरेटर पूछे तो स्प्लिट रिंग लगा दो, एसी जनरेटर पूछे तो स्लिप रिंग लगा दो। समझ में आया? ओके नेक्स्ट। टू गेट साहिल वहां से रीड करो। टू गेट अ डायरेक्ट करंट डीसी व्हिच इज नॉट अ चेंज इन डायरेक्शन विद द टाइम स्प्लिट रिंग टाइम्स कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। यस, कम्यूटेटर हमने लास्ट मोटर में पढ़ा, राइट। With this arrangement, one brush is still, one brush is at the time is connected the arm moving up in the field, while the other is connected the arm moving down. We have seen the working of the split ring communicator in the case of. उसके नीचे पूरा पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन कर लो। डीसी करवाने के लिए क्या करेगा? करेंगे। दस द यूनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उस जनरेटर को हम क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर। ये डेफिनेशन भी पूछते, एक मार्क्स मिल जाएगा। एसी जनरेटर किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है। और डीसी जनरेटर किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। दैट्स इट। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन द वन डायरेक्शन वेयर इज द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इन द डायरेक्शन, राइट। उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होता है, समझ में आ रहा है इसका? और डायरेक्ट करंट में चेंज नहीं होता है। ये डिफरेंस वन मार्क में पूछते हैं या फिर एमसीक्यू में भी पूछते हैं, ठीक है? कि एसी डीसी का डिफरेंस क्या है नीलेश? कि एसी में डायरेक्शन चेंज होता है।
होता है डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है राइट। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट दिस डेज प्रोड्यूस एसी इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 seconds दैट इज फ्रीक्वेंटली ऑफ एसी इज 50 Hz। उसके नीचे अंडरलाइन कर लो एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 Hz। An important advantage of AC over DC is the electric power can be transmitted over long distance without much of energy loss. Okay? Importance क्या है AC का कि वो energy बचाता है, right? चलो next is the domestic electric circuit. Domestic electric circuit very very important. वैसे एक बारी पूछा है एक दो बारी पूछा है मोशन एनर्जी दो मोशन एनर्जी हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखो आप पीछे देखो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें आपको अलग अलग तरह के वायर्स दिख रहे हैं है ना पता नहीं चल रहा है अरे हाँ मुझे पता है आपको नहीं पता चलेगा ठीक है तीन बार होते ये हो नहीं रहा था ये मान नहीं हाँ बस मानने में देर लगी यहाँ पे देखना है कि आता है तो स्किप कर दो
दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे? हमको तो मैम थोड़ा बहुत आता है। तो ये है अर्थिंग, राइट? दिस इज न्यूट्रल वायर एंड दिस इज लाइव वायर। ओके, लाइव वायर कैसा है आपकी बुक में? रेड कलर का है, राइट? न्यूट्रल वायर कैसा है आपकी बुक में? ब्लैक कलर का। एंड अर्थिंग वायर कैसा है? ग्रीन कलर का, राइट? अर्थ वायर। ओके, सबसे पहले हम लोग लाइव वायर की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, बहुत इजी है, आप खुद भी लिख सकते हो, राइट? तो लाइव वायर जो रेड कलर का है ना, वो क्या है कि जो मेन्स है, जो थर्मल पावर स्टेशन से जो पावर आता है ना, राइट, वो कंटिन्यू हर एक घरों में आता रहता है, गवर्नमेंट अप्लाई सप्लाई करते है, राइट? वो, और वो जो लाइव वायर है वो रेड कलर का है, राइट? वो हर एक घरों में वो लोग कितना भेजते हैं? 220 वोल्ट। और ओके, और वो कैसे पैरेलली हमारे घरों में सारे जो सर्किट्स है वो कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, राइट? अगर सीरीज में कनेक्ट होगा तो वो हमें पता है, हमने आगे पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एक अगर फैन बिगड़ गया तो दूसरा भी बिगड़ जाएगा, तीसरा भी बिगड़ जाएगा, राइट? बट पैरेलल होगा तो हर एक में 220 वोल्ट पहुंचेगा, राइट? समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे जो लाइव वायर है, राइट, उसमें गवर्नमेंट से जो करंट आता है ना 220 वोल्ट लुक एट हियर, वो आता है, ओके? और जो न्यूट्रल वायर है ना, वहाँ पे करंट नहीं जाता है, राइट, वहां से। बट जब आप लोग स्विच ऑन करोगे, तो ये जो लाइव वायर है ना, वो तो हमेशा आता ही आता है उसमें से करंट, लेकिन उसमें से करंट फिर इसमें जाके, सपोज आपने चार्जर लगाया, राइट, तो उसमें जाके वो चार्जर से वो डिवाइस तक पहुंचता है और ऐसे सर्किट कंप्लीट होती है। समझ में आ रहा है? सर्किट कंप्लीट होती है तब जाके हमारा मोबाइल चार्ज होता है। ओके, मतलब ये जो न्यूट्रल है उसमें हमेशा करंट बाहर नहीं आता है। जब आप स्विच ऑन करोगे, बट ये जो लाइव वायर है ना, उसमें हमेशा करंट होता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लाइव वायर में हमेशा करंट होता है, इसीलिए लाइव वायर में आपको कभी कोई भी चीज डालनी नहीं है, राइट? हमेशा करंट जाता है। न्यूट्रल वायर में करंट नहीं आता है तो आप उसमें भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि पीछे अगर रेड एंड ब्लैक वायर कहीं पे टूट गए, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए, फॉल्ट है अगर हमारे घर की सर्किट में, तो मे भी वहां से यहाँ थोड़ा करंट पास हो सकता है, राइट? तो इसीलिए कोई भी छोटे बच्चा अगर उसको छेड़ रहा है तो हम उसको मना करते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल वायर में हाँ करंट नहीं आता है, बट अगर हमें नहीं पता है कि वॉल के पीछे अगर कोई फॉल्ट है तो उसमें करंट आ जाता है, राइट? इतना समझ में आया? धर्मेंद्र और धीरेन्द्र बॉस वॉट्स द नेम, एनीवे, फिर ऊपर वाला जो है, लिसन, फिर ऊपर वाला जो है वो अर्थिंग है, राइट? अर्थिंग क्या है? इतना दो समझ में आया? यस सर, नो? हाँ, अभी दूसरी चीज, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अर्थिंग क्या है? ग्रीन कलर का, ओके? तो वो जो भी डिवाइसेस है ना हमारे घर में, राइट, उससे एक मेन वायर जाता है ग्रीन कलर का, और उसको ऐसे अर्थिंग अर्थ मतलब ग्राउंड पे अर्थ करते हैं, राइट? वो वायर ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो डिवाइस अगर हायर वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है तो, और शायद उसकी आउटर बॉडी भी जल जाए, या तो उसकी जो इनर जो इंसुलेटेड बॉडी है वो भी जल जाए, तो आप अगर उसको टच करोगे ना तो आपको करंट लगेगा और आपकी डेथ हो जाएगी, राइट? लेकिन अगर अर्थिंग होगा, क्यों ऐसा? क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ज्यादा है, हमारी बॉडी अभी तक वोल्टेज उतना नहीं है, राइट? तो हमारी बॉडी टच करेगी तो वो वोल्टेज है ना, उसकी टेंडेंसी है, इवन साइंस में हर एक चीज की ऐसी टेंडेंसी है कि ज्यादा से बड़े तक जाता है। समझ में आया? ओके, तो ये क्या है, हमको हमारे अंदर वो करंट आ जाएगा और शॉक लगने का या तो डेथ होने का चांसेस है, राइट? बट अगर अर्थिंग वायर है तो अर्थ है ना उतना शायद जीरो, हाँ अप्रोक्स 0.5 वोल्ट तक ही है, मतलब इतना कम है, राइट? तो वो क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए पूरा जितना भी उसका करंट है ना वो यहाँ पे सप्लाई कर देगा, राइट? तो आप लोग को इससे करंट लगने से बच जाओगे, राइट? समझ में आया? इसीलिए हर एक घर में अर्थिंग हमें करवाना चाहिए। अर्थिंग हमें घर अर्थिंग है वो गवर्नमेंट नहीं करके देते, वो हमें करवाना होता है, राइट? एनीवे, आपकी बिल्डिंग या घर में भी होगा अर्थिंग, वो आप पूछ लेते। चलो, अभी ये जितना समझा है ना उतना रिपीट।
डायो वायर में से करंट पास हो जाए। वेरी गुड। ब्लैक वायर में वो सर्किट पूरी उसकी क्लोज होती है। मतलब ब्लैक वायर में करंट होता ही नहीं है, अगर हम प्लग लगाते हैं ना डिवाइस के साथ तब जाके, देखो ऐसा होता है, लाइव वायर में से करंट आ रहा है ठीक है, बट यहाँ पे करंट नहीं है, बट जब आप स्विच ऑन करते हो तब यहाँ से करंट जा रहा है, और यहाँ पे हम कोई वायर डिवाइस लगाते तब जाके वो सर्किट कम्प्लीट होती है, राइट। बाकी हर एक घरों में स्विच ऑफ है तब भी ये वायर तो आता ही, इसमें तो करंट आता ही है लाइव वायर में, समझ में आया। हाँ, फिर अर्थिंग वायर में जो पास होता है करंट वो अर्थ में चला जाता है नीचे। हाँ, वेरी गुड, समझ में आया। तो अर्थिंग क्या है और अर्थिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, आप आपके घर पे भी जो बिल्डिंग घर है उसमें पूछना आपके मम्मी डैडी को, उनको भी पता होगा कि अर्थिंग करवाया है राइट, और कितने वोल्ट मतलब वो क्या होता है वो बताएंगे। एनीवे दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज ये है कि आपको, आप सोचते होंगे कि यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा है राइट, तो ये जो 220 वोल्ट है वो हर एक डिवाइस को मिल रहा है, हर एक पॉइंट को मिल रहा है राइट, बट उसमें भी क्या है कि जो गीजर है, रेफ्रिजरेटर है राइट, उनका अलग पॉइंट है पता है, और उनका रेड कलर का सिग्नल, रेड कलर की लाइट होती है, एसी है राइट, और जो हमारे नॉर्मल चार्जिंग के पॉइंट है राइट, क्यों, क्योंकि वो लोग हमें बताते हैं कि ये पॉइंट है ना, वहाँ पे आप अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर, मतलब ट्रांसफार्मर के साथ वाला डिवाइस मत करो ऐसा राइट, ये वाले जो पॉइंट है वहाँ पे बैठो, प्लीज हाइएस्ट उसमें वोल्ट आएंगे राइट। वैसे वोल्ट हर एक जगह 220 ही बेचते हैं, बट वहाँ पे जो हैवी लोड है राइट, हैवी लोड जैसे कि वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है राइट, तो हाँ एसी है, ओवन है, उन सबको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है ओके, बट हमारा मोबाइल है ठीक है, उसमें क्या होगा, हम क्या लगाते हैं, पहले तो एडेप्टर लगाते हैं है ना, फिर हम मोबाइल लगाते हैं, सीधा वायर उसके अंदर डाल देते हो नहीं, क्यों एडेप्टर, क्योंकि जो आपके मोबाइल का जो एडेप्टर है ना उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि हमारे मोबाइल को 220 वोल्ट की जरूरत नहीं है, हमारे मोबाइल को कम वोल्ट की जरूरत है, तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उतने जो वोल्टेज है उतना ही लेगा, समझ में आ रहा है, जितने हमारे मोबाइल को जरूरत है उतना ही वो एडप्टर लेगा, विदाउट एडप्टर आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है। फिर लैपटॉप, लैपटॉप में भी एडप्टर होता है राइट, क्यों, क्योंकि एडप्टर या फिर बीच में उसको ऐसी दी गई होती है राइट, क्यों, क्योंकि वो भी लैपटॉप भी उतने 220 वोल्ट पे चार्ज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, बट वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, वो इतने वोल्ट पे चल सकते हैं राइट, तो उसके लिए इसीलिए उन्होंने अलग पॉइंट दिखा के रखा है, समझ में आया। यही है डोमेस्टिक पॉइंट, और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो रहा है ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एवरीवन।